हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन स्टैंडर्ड 6. इन चैप्टर 1 वी मेड द लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दे वी ईट. आपने फूड आइटम्स के बारे में सीखा, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सीखा. यू ऑल्सो आइडेंटिफाई द फूड आइटम ईटन इन द डिफरेंट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस इट्स नेम. आपने उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली. एट मील द कंसिड द चपाती, दाल, ब्रिंजल करी एंड अनदर मे बी द राइस, सांभर, वेजिटेबल्स, प्रिपरेशन हम करते रहते हैं. इन यू अदर्स मील कुड द अपम, फिश करीज, वो भी हमने सुना है. तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड होते हैं और जो हमारी बॉडीज को क्या क्या प्रोवाइड्स करते हैं. जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश आइटम बना सकते हैं, कि जैसे पंजाब के अंदर मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी. जैसे आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल एंड द रसम एंड द कुंदरू. कुंदरू होता है जो जिसको, और फिर बटर में घी, उनका ज़्यादा यूज़ होता है, पिकल्स का यूज़ होता है. जैसे राजस्थानी है तो राजस्थानी आइटम्स के अंदर पल्सेस ज़्यादा यूज़ होते हैं. फिर दाल बाटी बनाई जाती है वेजिटेबल्स के अंदर, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सार टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं. ज़्यादातर वहाँ पर में वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं होते, इसलिए जो मेथी वगैरह होता है, मतलब कि जो ड्राई मेथीज होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है. और बटर घी तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर जो हमें जो देखने को मिलता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो इसके अंदर से हमें कैसे मिलते हैं. जैसे कर्ड, पिकल्स होता है. सम एग्जाम्पल ऑफ मेड ऑफ द डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग अलग होते हैं. समटाइम वी मे बी ऑल द वेराइटीज अवर मील्स, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हम देखते हैं हमारे मील्स के अंदर, खाने के अंदर. एंड क्वर एक बार में सारे मील्स लेना इम्पॉसिबल होता है. वट डू वी डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे कंटेन होता है, डिज यूजली मोर इंग्रेडियंट्स का यूज़ होता है. प्लांट एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट का भी कई बार यूज़ होता है. इंग्रेडिएंट्स कंटेन द कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारे बॉडीज के लिए नीडेड होता है, बहुत ज़रूरी होता है. दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिशन. द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स. एंड द फूड कंटेन द डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स का भी यूज़ होता है जो हमारे बॉडीज को, मतलब कि डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होता है. द फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन विद द सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड इन द रो इंग्रेडिएंट्स. जैसे कि हम कच्चे इंग्रेडिएंट्स को पकाते हैं, मोर देन न्यूट्रिशंस होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस कितनी है, प्रोटीन्स कितना है, तो हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं. एंड देट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड द कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है. यू विल बी ऑल्सो नीड द फ्यू टेस्ट ट्यूब्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है और ड्रॉपर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. Try to test the cooked food items in you will be raw material, so that is a record and observation आप रख सकते हो. Some food items are given in the table and you can conduct that is the available food item. Carefully do not try to eat. और इसको टेस्टिंग करने के बाद में आपको उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए. And the required solution are not available ready-made from, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो देखो, पहले उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए डाइल्यूट आयोडीन कैसे कर सकते हैं, कि उसके अंदर हाफ विथ वाटर और थोड़े सा डाइल्यूट आयोडीन का, मतलब कि आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी हमें इस तरह से बना सकते हैं कि 100 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम्स कॉपर सल्फेट ऐड करके. कास्टिक सोडा का भी इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब के सॉल्यूशंस, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस बना सकते हैं. इस तरह से एक्टिविटीज 2 जो है वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.